आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन अप्रूव अ कॉमेंट इन वर्डप्रेस? एडमिन, यूजर, स्ट्रेंजर, कॉमेंट्स डू नॉट नीड एनी अप्रूवल। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर एडमिन। हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड लाइन शुड बी यूज इन साइड एन एंकर टेक्स्ट टू ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो है हमारे पास एंकर टेक्स्ट गिवन है, तो हमने यहाँ पर देखना है ऐसा एक एंकर टेक्स्ट जिसके थ्रू हम यहाँ पर हमारा जो भी आपको यहाँ पर कोड दिया गया है उसको सेकंड वाले टैब के अंदर ओपन अप करें। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पर वो वाला ऑप्शन जिसके अंदर आपके पास ब्लैंक का ऑप्शन अवेलेबल हो, क्योंकि ब्लैंक वो कमांड है जिसके थ्रू हम एंकर टेक्स्ट को अगले ऑप्शन के अंदर या अगले पेज के ऊपर ओपन अप करते हैं। हाउ वी इंक्रीज मैक्सिमम फाइल साइज इन वर्डप्रेस? यूजिंग यूजिंग सेटिंग जर्नल अपलोड साइज, बाय एडिटिंग PHP कंटेंट, बाय सेव द फाइल, बाय यूजिंग बैकअप प्लगइन। आपको मैक्सिमम फाइल किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, तो आप उसको यहाँ पर जर्नल सेटिंग्स के थ्रू इंक्रीज आउट कर सकते हो। अगर आप अपने PHP को भी इंक्रीज करते हो तो कुछ हद तक आपका बैकअप का जो या फिर आपका जो फाइल साइज है वो इंक्रीज आउट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम फाइल कैन बी यूज टू कस्टमाइज द पेज नॉट फाउंड एरर? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 404.php। अदर ऑप्शंस में है index.php, function.php एंड page.php। डिस्कस प्लगइन इज यूज फॉर, आपको बताना है कि डिस्कस का प्लगइन किस लिए यूज होता है, कमेंट्स, मीडिया, ईमेल हैंडलिंग या SEO। तो आपके पास ये एक अदद प्लगइन है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है। वैसे इसका करेक्ट आंसर रहता है यहाँ पर कमेंट, ये कमेंट के लिए आपके पास एक अदर प्लगइन अवेलेबल होता है। व्हाट इज मेंट बाय द फीचर इन इट? सेकेंडरी इमेज ऑफ द पोस्ट और पेज, एक्टिंग एज अ लिंक ऑफ द पेज और पोस्ट, सोर्स ऑफ एन इमेज, मेन इमेज ऑफ द पोस्ट और पेज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मेन इमेज ऑफ द पेज और पोस्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस थीम? बाय अपलोडिंग द थीम यूजिंग डैशबोर्ड, बाय अपलोडिंग द थीम थ्रू FTP, by uploading the theme through cPanel and all of the options are correct। आप डैशबोर्ड के थ्रू अपीयरेंस से जाकर अपलोड कर सकते हो, आप FTP के थ्रू भी थीम्स को अपलोड कर सकते हो, आप cPanel में जाके फाइल मैनेजर में जाकर थीम्स को अपलोड कर सकते हो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर वर्डप्रेस की कंप्लीट प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट मौजूद है, जहाँ पर मैंने आपको थीम, पेज, पोस्ट इसके बारे में बताया है, प्लगइन्स के बारे में बताया है, सी पैनल में किस तरीके से आप ये सब चीज़ें करते हो वो आपको बताई है, किसी वेबसाइट का ऑडिट किस तरीके से किया जाता है मैंने वो भी आपको करना बताया है। तो आप मेक श्योर करो कि आप इसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलो, और अगर आपने अपनी वेबसाइट जो है वो 00 वेब होस्ट पर बनाई है तो उसे जल्दी से लोकल होस्ट यूजिंग XM के ऊपर शिफ्ट आउट कर लो, क्योंकि 00 वेब होस्ट की वेबसाइट काफ़ी जल्दी जो है वो फ्लाई आउट हो जाती है यानी कि उड़ जाती है। और अगर आपको इस सब को करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर कांटेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कमेंट अपेयर ऑन योर साइड व्हेन यू क्लिक ऑन डिस्प्ले शो अपेयर अप्रूव। तो सही आंसर रहेगा अप्रूव। अगर आपने अपनी साइट के ऊपर कमेंट्स को अप्रूव ऑटोमेटिकली नहीं किया हुआ तो जब तक आप अप्रूव के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे कमेंट आपके वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर बाय डिफॉल्ट पेजेस, पोस्ट, कॉमेंट, कस्टम पेज? आपको बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पर रहते हैं कस्टम पेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैटेगराइज बाय डिफ़ॉल्ट? अच्छा, तो कैटेगराइज बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं पेजेस, हमारे पेजेस जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, उनको किसी भी कैटेगरी के अंदर हमें
कस्टमाइज नहीं करना होता। अगेन द थिंग इज मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट अगेन अलाउ यू टू अपलोड फाइल्स क्विकली, अपलोड अनसपोर्टेड फाइल, डाउनलोड लाइब्रेरी, डिलीट लाइब्रेरी। आपको जो मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट का प्लगइन है वो किस लिए आपकी हेल्प आउट करता है, आपकी फाइल्स को क्विकली अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर आप इस प्लगइन के बगैर भी अपलोड करते हो और फाइल का साइज का बड़ा है तो वो काफी टाइम लेता है आपके प्लगइन्स के बगैर अपलोड आउट होने के लिए। लेकिन अगर आप इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हो तो आप बिग साइज की फाइल को भी जल्दी से अपलोड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का काफी अच्छा सा वर्डप्रेस क्विज। अगर आपने अब तक वर्डप्रेस की एक्सरसाइज कम्प्लीट नहीं की है तो उसका सलूशन भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।